कि ला के हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक वाक्य थोड़ा बहुत भारतीय असर बचा होगा तो जज ने एक वाक्य आगे जोड़ दिया, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। प्रश्न है, क्या ला का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है? और जब ला का जब नैतिकता से संबंध नहीं रहेगा तो जिसके पास ताकत है, जो अच्छा वकील खड़ा कर सकता है, वो 100 अपराध करके भी बच जाएगा, जो हम देख रहे हैं। तो ये न्याय व्यवस्था क्या उचित न्याय व्यवस्था है? और इस नाते से राज्य की रचनाएं, राम के समय में राजशाही थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन जो लक्ष्मण छाया की तरह बनकर साथ रहा और काल पुरुष बात करने आया और राम ने उनकी ड्यूटी लगाई कि जब तक हमारी बात पूरी नहीं होती किसी ने अंदर नहीं आना चाहिए, लक्ष्मण बाहर खड़े, दुर्वासा आए और कहे मुझे तुरंत मिलना, लक्ष्मण ने मना किया तो दुर्वासा ने कहा कि अभी मिलने देते हो कि नहीं, नहीं तो अयोध्या को भस्म करता हूँ। एक तरफ अंदर जाते हैं तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं जाते हैं तो अयोध्या भस्म होती है, मेरा जो कुछ होगा सो होगा। लक्ष्मण कमरे में घुसते हैं, काल पुरुष से राम की बात पूरी हो गई है, लक्ष्मण ने एक शब्द नहीं सुना है, लेकिन बात पूरी होकर बाहर आने के पहले लक्ष्मण अंदर गए, राम ने न्याय का पालन करते हुए लक्ष्मण ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था उसका विचार नहीं किया और मृत्युदंड दिया। इंदिरा गांधी की तरह कह सकते हैं कि टेक्निकल मिस्टेक थी, है तो पर किया नहीं उन्होंने। तो प्रश्न है, उच्च शिक्षा का विचार करते समय आज समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, जितने भी शास्त्र है, इन शास्त्रों के अंदर आधारभूत वैकल्पिक भारतीय सिद्धांत और दृष्टि क्या होगी, इस पर आज संपूर्ण देश के अंदर एक चिंतन करने की आवश्यकता है, एक विकल्प देने की आवश्यकता है, आज उसका विचार करना पड़ेगा। तकनीकी शिक्षा का विचार करते समय आज की जो तकनीकी है, जो आज बढ़ती हुई तकनीक और सारी जीव सृष्टि के लिए खतरा बन रही है। एक कॉलेज के अंदर एक सेमिनार हुआ, एक जैन मुनि वक्ता के नाते आए थे, अध्यक्ष के नाते, और वक्ता एक साइंस के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान अगले 100 साल में जो समस्या खड़े होने वाली उसका समाधान खोजता है। अगले 100 साल में कोयला खत्म हो जाएगा तो उसका विकल्प क्या है? विज्ञान आज से उसका उपाय करता है। जैन मुनि ने आखिर में कहा कि विद्वान वक्ता ने कहा कि विज्ञान 100 साल बाद जो समस्या खड़ी होगी उसका आज समाधान खोजता है, और इसलिए कोयला जब खत्म हो जाएगा तो उसका विकल्प क्या होगा, उसकी खोज और विज्ञान कर रहा है, कर ली है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ये जो मानव है आज का, ये जितना स्वार्थी हो रहा है, ये जितना हिंसक हो रहा है, ये जितना संवेदना शून्य हो रहा है, ये जितना और क्रूर हो रहा है, ये अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो विज्ञान की अपरिमित ताकत की सहायता से आदमी इस सारी दुनिया को ही कोयला बना देगा। और इसलिए सवाल कोयले के विकल्प का नहीं है, दुनिया अगर कोयला बन गई तो उसको जलाने वाला कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, आज उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इस नाते से एक विषय आता है कि जो वैल्यूज़ हैं, जिसको हम कहते हैं जीवन मूल्य, वह जीवन मूल्य आज तकनीकी शिक्षा में भी आने की आवश्यकता है। और यह अगर करना है तो आज वो चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, और इतना ही नहीं तो जीवन एक समग्रता में शिक्षा है, और इस नाते से केवल स्कूलों, कॉलेजों और इंस्टीट्यूटों में ही नहीं तो घरों के अंदर भी, और हमें आज यह संस्कार, यह जीवन मूल्य, जो गीत में भी कहा था कि सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, आज इन मूल्यों को अगर लाने की आवश्यकता है तो हमें और भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा, जो सबके बीच में और एकत्व की और जो अनुभूति कराती है, उन बातों की ओर और विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस समय के अंदर जब हम विचार करेंगे तब उसमें से फिर एक समग्र और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग विकसित होगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर गोल है, लक्ष्य है, अगर सस्टेनेबल मतलब आज की पीढ़ी जिन और पृथ्वी के पदार्थों का आनंद उठा रही है, आने वाली अनंत पीढ़ियां भी और उन पदार्थों का आनंद उठाए, तो हमें अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर गोल है तो सस्टेनेबल कंजम्पशन ये पाथ है, उपभोग का संयम। अगर हम वो नहीं करेंगे तो सामान्य भारत की बात तो छोड़ दीजिए, सारी दुनिया के रिसोर्सेज अपने आप में समेटने की ताकत जिस अमेरिका के अंदर थी, उसकी स्थिति क्या हुई। 1944 के अंदर रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मंदी का दौर आया और उस मंदी के दौर से निकलने के लिए रूजवेल्ट ने अमेरिका के लोगों को आह्वान किया, कारखाने बंद हो रहे थे तो उद्योगों का और निर्माण का चक्का चलाने के लिए उसने आह्वान किया कि एवरी अमेरिकन अधिक से अधिक कंज्यूम करे, अधिक से अधिक उपभोग करे, और जो जितना अधिक कंज्यूम करता है वो उतना ही बड़ा पेट्रियॉट है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है इसका क्या होगा। अमेरिका उस मार्ग पर चला, अधिक से अधिक उपभोग, अधिक से अधिक उपभोग, अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक पूंजी, अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। 1944 से आज ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, कुल मिलाकर 68 वर्ष हुए हैं, अमेरिका वही है, राष्ट्रपति भी है, केवल रूजवेल्ट की जगह बराक ओबामा नाम है। और पिछले कार्यकाल के अंदर पहली बार राष्ट्रपति बनने पर 20 जनवरी को जब पहला भाषण बराक ओबामा ने दिया तो उसने कहा अपने भाषण के अंदर कि आवर इकोनॉमी इज बैडली वीकंड, हमारी जो अर्थव्यवस्था वो बहुत बुरी तरह कमजोर हो गई है, खोखली हो गई है अंदर से। क्यों? तो वाक्य प्रयोग करता है, ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीड, ये जो उपभोग की लालसा है उसका परिणाम है ये। रूजवेल्ट ने कहा था अधिक से अधिक उपभोग करो, 68 साल में लग रहा है कि इसी मार्ग पर चले, और आगे बराक ओबामा कहता है कि यदि हमने उपभोग पर संयम और खर्च पर नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में चीन और भारत हमसे आगे हो जाएंगे। भारतीय चिंतन ने तो बहुत पहले से कहा कि क्षमताएं कितनी भी हो लेकिन उपभोग का संयम करो। ययाति ने सारे जीवन भोग भोगे, इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति रहा और उम्र उसको अनंत मिली, लेकिन जीवन का निष्कर्ष उसने आखिर में यही कहा, जिस पर आज दुनिया में आंदोलन चल रहे हैं, वॉल स्ट्रीट आंदोलन में कहते हैं कंट्रोल ग्रीड। ययाति कहता है कि न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयैवाभिवर्तते, कामनाओं की पूर्ति करने से कामनाएं शांत नहीं होती है, अग्नि में आहुति देने से जैसे और भड़कती है ऐसे भड़कती है। और उसके आगे एक महत्व की बात और कहता है कि यत पृथिव्याम ब्रीही यवम हिरण्यम पशवस्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तम, सारी पृथ्वी के ऊपर जितना धन धान्य पशु अन्न जो कुछ उपलब्ध है सबका सब किसी एक आदमी को दे दो कि तुम उसके मालिक, तो कहता है एकस्यापि न पर्याप्तम, तो अभी वो कहे कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संभव नहीं है, इसलिए करना क्या चाहिए। तो आगे ययाति कहता है तस्याम तृष्णाम परित्यजेत, इसलिए उपभोग के ऊपर संयम करो, तृष्णा को सीमित करो। और इसलिए अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल है तो सस्टेनेबल कंजम्पशन ये पाथ है, और सस्टेनेबल कंजम्पशन अगर पाथ है तो जैसा मैंने कहा कि जीवन दृष्टि और जीवन शैली बदलना पड़ेगी, और वह अगर बदलना है तो आने वाले समय के अंदर मुझे इतना जरूर लगता है कि आज का समय जितनी परिस्थिति की विकटता है उतने ही प्रमाण के अंदर वह अनुकूल भी है। क्यों? कि मानव अपने जीवन में दो तरह से समझता है। यह याद है कि जीवन गाथा पे खांडेकर जी ने या महाराष्ट्र के उपन्यासकार थे एक किताब लिखी, एक 5 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि वो आत्मकथ्य के रूप में जैसे शिवाजी सावंत ने कर्ण की कथा मृत्युंजय में लिखी, उसी तरह से ययाति सारा उपभोग करने के बाद भी जीवन में सुख नहीं मिला अपनी इस कथा को कहता है। तो कहता है कि मैं अपने जीवन की कहानी दुनिया को इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जीवन के रास्ते पर चलते हुए जहाँ मैंने ठोकरें खाई, जहाँ मैं गिरा,
जहाँ मुझे तकलीफ हुई, आने वाले इस रास्ते पे चलने वाले लोगों को वो तकलीफ ना हो, वो कष्ट ना हो, इसके लिए मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन अगला वाक्य बड़ा बुद्धिमत्ता का कहता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये कहीं आत्म प्रवंचन तो नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ यह आत्म प्रवंचना तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? इस दुनिया में हर आदमी का स्वभाव है कि हर आदमी बुढ़ापे में कुछ समझदार बनता है, लेकिन खुद की खाई हुई ठोकरों से, दूसरे के उपदेश से नहीं। और यह जो सत्य है, और इस नाते से आज दुनिया के अंदर, चाहे पृथ्वी के स्तर पर हो, जल के स्तर पर हो, जीवन मूल्यों के स्तर पर हो, सामाजिक तनावों संघर्ष के स्तर पर हो, बढ़ती हुई विषमता के संदर्भ में हो, संकट जितना बढ़ रहा है उतना ही दुनिया का अनुभव भी बढ़ रहा है। और इस नाते मुझे लगता है कि बढ़ती हुई समस्या के साथ साथ यह भारतीय चिंतन जो समग्र और धारणाक्षम विकास का मार्ग दिखा सकता है, उसकी चाह भी बलवती होगी। ऐसे समय के अंदर यह विकल्प देने का संकल्प जिस संगठन ने किया है, वह भारतीय शिक्षण मंडल का जो काम है कि आने वाले समय के अंदर हम अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्नों से, अपनी बुद्धिमत्ता से समाज की समस्त प्रकार की और सात्विक शक्ति को संगठित करते हुए, उसको सक्रिय करते हुए, आत्मविश्वास संपन्न करते हुए एक वैकल्पिक शिक्षा नीति, शिक्षा के अंदर भारतीयता और भारत के आध्यात्मिकरण की प्रक्रिया, इसको करने के अंदर हम सफल होंगे। और इस नाते से शिक्षा का जो आदर्शतम स्वरूप रहा है उसे हम अपने हृदय में रखते, इस नाते से एक काका कालेलकर का उदाहरण देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 1928 के अंदर गुजरात विद्यापीठ के अंदर वहाँ के दीक्षांत समारोह के अंदर काका कालेलकर का भाषण हुआ था, और उस समय उन्होंने शिक्षा क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है, तो शिक्षा स्वयं मैं क्या हूँ अपना परिचय देती है, इस रूप में काका कालेलकर ने अपने भाषण में शिक्षा का निरूपण किया था। उसमें वो कहते हैं कि शिक्षा कहती है कि मैं सत्ता की दासी नहीं हूँ, कानून की किंकरी नहीं हूँ, विज्ञान की सखी नहीं हूँ, कला की प्रतिहारी नहीं हूँ, अर्थशास्त्र की बांदी नहीं हूँ, मैं धर्म का पुनरागमन हूँ, मनुष्य के मन, हृदय और इंद्रियों और बुद्धि की स्वामिनी हूँ, मानस शास्त्र और समाज शास्त्र मेरे दो चरण हैं, कला और कारीगरी मेरे दो हाथ है, विज्ञान मेरा मस्तिष्क है, इतिहास मेरे कान हैं, धर्म मेरा हृदय है, उत्साह और उद्योग मेरे दो फेफड़े हैं, स्वातंत्र मेरा श्वास है, श्रद्धा मेरा चैतन्य है, ऐसी मैं जगतधात्री हूँ, जगदम्बा हूँ। इस दुनिया के अंदर कोई भी मेरा उपासक किसी चीज का मोहताज नहीं रहेगा, मेरी कृपा से उसकी सभी कामनाएं परिपूर्ण होंगी। मैं समझता हूँ कि इस शिक्षा की देवी का जो आदर्श स्वरूप है, वह जो भाव जगत में है, उसे आज के वर्तमान भारत के सामाजिक शिक्षा के जगत के अंदर प्रत्यक्ष साकार करने की दिशा में परमात्मा हम सब लोगों को आत्मविश्वास, सामर्थ्य और प्रेरणा दे। इतना निवेदन करते हुए, आप सबने इतने धैर्य से मुझे सुना, आपका आभार मानते हुए, आपके आयोजकों ने जो विषय रखा था मैं नहीं जानता कितना न्याय किया, लेकिन जो कुछ मेरी समझ में आया कुछ बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। इसके बाद कल्याण मंत्र होगा और उद्घाटन सत्र समाप्त होगा। कल्याण मंत्र की आधी पंक्ति बताऊंगा, उसके बाद ये मंत्र हम सांघिक रूप से कहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवाद् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
प्रतिनिधियों के लिए कुछ सूचना है, हम अपना स्थान वहीं रुक के रहेंगे, ग्रहण करें। जो तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधि हैं उनके लिए दो तीन सूचनाएं हैं। पहली सूचना तो ये है कि विदर्भ से कुछ जो प्रतिनिधि समारोह के प्रारंभ के समय आए थे या उसके बाद में भी कुछ लोग आए हैं, उद्घाटन समारोह प्रारंभ हो जाने के कारण उनका पंजीयन रुकवा करके उनको यहाँ पर भेजा गया था। वो लोग यहाँ से जा करके अपना पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर ले, बाकी सारे प्रतिनिधियों में से भी किसी की पंजीयन की प्रक्रिया रह गई हो तो वो उस बात को पूरा कर ले। जैसा कि प्रातः सत्र में सूचना दी गई थी, सुरक्षा की दृष्टि से अपनी प्रवेशिका को सदैव धारण करना है, इसलिए पंजीयन अपना पूरा होना चाहिए। इसके बाद 7:30 बजे भोजन होगा नीचे अन्नपूर्णा में, और उसके बाद का जो सत्र होगा 9 बजे का, वह प्रांतशाह बैठकें हैं। सुबह मैंने उन बैठकों के स्थान की सूचना दी थी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ताकि हम लोगों को ध्यान में रहे, जिन लोग जो लोग सुबह नहीं थे वो भी ध्यान से सुन ले। और विजय जोशी करके क्या नाम है? अभी नहीं, अभी सूचना दे। हाँ, सुन लीजिए ध्यान से। पहला जो गठ होगा वो दक्षिण के चारों राज्य यानी सातों प्रांत, केरल, कर्नाटक के दोनों प्रांत, तमिलनाडु के दोनों प्रांत, आंध्र के दोनों प्रांत, ये यहाँ सामने की ओर बैठेंगे, मेरी बाई ओर आपके राइट हैंड साइड में, इन द फ्रंट ऑल दी प्रांत फ्रॉम दक्षिण, फ्रॉम साउथ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, ऑल 7 प्रांत यहाँ सामने की तरफ, जहाँ पत्रकार वाला बोर्ड अभी लगा हुआ है वहाँ पर उनकी रचना होगी, दे विल सिट देयर। दूसरा गट होगा जो बीच वाले दो गेट है उसके सामने उनकी रचना होगी, गुजरात व पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात व पश्चिम महाराष्ट्र से आए हुए प्रतिनिधि वहाँ पर बैठेंगे। तीसरा गट पीछे वाले कोने में होगा, उस तरफ जो ईशान्य कोण है उस कोने में होगा, कोकण और देवगिरी प्रांत के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठेंगे। चौथा गट मंच के सामने होगा, यहाँ पर बीच में राजस्थान के तीनों प्रांत वहाँ पर बैठेंगे, मंच के सामने उनकी रचना होगी, राजस्थान के तीनों प्रांत वहाँ पर बैठेंगे। पांचवा जो गट होगा वह मध्य क्षेत्र का होगा, जिनकी रचना बीच में हॉल के ठीक बीच में होगी, मध्य क्षेत्र के चारों प्रांत, मध्य भारत, मालवा, महाकोशल और छत्तीसगढ़, ये चारों प्रांत वहाँ पर बैठेंगे। छठा जो क्षेत्र होगा दरवाजे के पास में उनकी रचना होगी, तानपुर उत्तर क्षेत्र के चार प्रांत, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, ये उत्तर क्षेत्र के पांचों प्रांत वहाँ पर बैठेंगे। पीछे जहाँ से हम दरवाजे से एंटर करते हैं उसके पास में उनकी रचना होगी। कानपुर प्रांत की रचना यहाँ पर मेरे दाहिने हाथ की ओर आपके बाएं हाथ की तरफ इस तरफ होगी, सामने की ओर कानपुर प्रांत के सारे प्रतिनिधि यहाँ पर बैठेंगे। बीच में कानपुर को छोड़कर के जो सारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है वो सारे के सारे प्रांतों की रचना वहाँ पर बीच में होगी, दाहिनी ओर बीच में, और आसाम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, शायद यहाँ प्रतिनिधि केवल आसाम और ओडिशा से आए हैं, वहाँ पीछे आग्नेय कोण में पीछे वाला जो दाहिने हाथ का कोना है उस कोने में उनकी रचना होगी। विदर्भ के सारे प्रतिनिधि नीचे बैठेंगे, पश्चिमी विदर्भ यानी अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा, वाशिम, इन जिलों से जो प्रतिनिधि आए हैं वह पश्चिम विदर्भ के प्रतिनिधि पीछे भोजन कक्ष में पीछे की ओर कनात लगी हुई है जिसके पीछे प्रदर्शनी की व्यवस्था है, उस तरफ पश्चिम विदर्भ के लोग बैठेंगे, और कनात के पास में ही ठीक अन्नपूर्णा की तरफ भोजन की तरफ पूर्वी विदर्भ के प्रतिनिधि बैठेंगे, जिसमें नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, ये जिले आते हैं, वह पूर्वी विदर्भ के प्रतिनिधि कनात के सामने की ओर बैठेंगे। वहाँ पर अपने बोर्ड लगे हुए होंगे इसलिए रचना में आकर के ठीक 9 बजे हमारी प्रांतीय बैठक शुरू होगी, इसलिए 8:55 तक भोजन के पश्चात अपने पास पर्याप्त समय होगा, 8:55 तक हम लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। 10:30 बजे दीप निमिलन से पहले
केसर युक्त मसाला दूध आपके लिए उपलब्ध होगा अन्नपूर्णा में, भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।